की जा रही है, क्या वजह है जो बार बार मदरसों की जांच होती है और क्या है ये मकतब, जरा विस्तार से। देखिए, शिकायतें मिलती हैं कि मदरसों में वो धार्मिक शिक्षा, दूसरा मदरसे शिक्षा देने के लिए खुले हैं, मदरसों में नकली नोट छापने का कारोबार, जब बातें उजागर होती हैं तो उसके कई दायरे से जांच होती है। वही काम एटीएस कर रहा है, इससे लोग परेशान हैं। और जो गलत है उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी, जो सही है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, हम गारंटी दे रहे हैं। लेकिन आप गलत कर रहे हो, नकली नोट छाप रहे हो मदरसा खोल के, तो ये तो गलत है भाई, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आप मदरसा खोले हो शिक्षा के लिए, आप वहाँ जो है आवासी बना करके विदेशियों से लोग आ रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं, तो ये अच्छा काम नहीं है। ऐसे लोगों की जाँच हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो जाँचें हो रही पूरी तरह से सही हो रही है, किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई, किसी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, जो दोषी पाया जाएगा उसको छोड़ा भी नहीं जाएगा। एक और बड़ा अहम सवाल है, मुकदमा दर्ज हो गया है, एक तरफ पीडीए की बात, दूसरी तरफ दलितों के खिलाफ। देखिए, वो दल न दलितों के हितैषी हैं, न अति पिछड़ों के हितैषी हैं, न मुसलमानों के हितैषी हैं। समाजवादी पार्टी अपने कौम के प्रति हितैषी है। समाजवादी पार्टी सिर्फ वोट लेना जानती है और इज्जत सम्मान करना नहीं जानती है, लोगों को साथ लेके चलना नहीं जानना चाहती है, वो लोडर बना के रखना चाहती है, लीडर बनाना नहीं चाहती है। इस नाते जो है उसकी दुर्गति का कारण है समाजवादी पार्टी के, जो मुकदमा लिखा गया है। अब सोच लीजिए, बीजेपी तो नहीं लिखा है ना, बसपा ने मुकदमा लिखाया है। अब समाजवादी पार्टी के लोग चिल्लाएं कि बीजेपी कर रही है, मुकदमा बसपा लिखवा रही है, बसपा को भी बीजेपी की टीम बता, ये खुद भी टीम है, ये खुद भी टीम है। समाजवादी पार्टी 9 उपचुनाव में एक भी सामान्य वर्ग को टिकट नहीं दिया, ये बीजेपी का सहयोग करने के लिए कि सामान्य वर्ग के भाइयों आप लोग चले जाओ बीजेपी में। और वो अमिताभ बच्चन का गाना भी अपने घर में सुना देते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मतलब सामान्य वर्ग की कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है समाजवादी पार्टी में, कोई वैल्यू नहीं है, बिना वजह वहां झुनझुना बजा रहे हैं। शिवपाल जी ने भी हाल ही में बयान दिया, जब कहा गया बचोगे दोगे। देखिए, शिवपाल जी करहल में देख लीजिए, अब संविधान खतरे में नहीं है, इस चुनाव में आरक्षण खतरे में नहीं है, अब रिश्तेदारी खतरे में है। अब स्थिति भूल गए वो, आप संविधान आरक्षण, अब रिश्तेदारी को बता रहे हैं कि ये खतरे में, भैया इसे सावधान रहो। शिवपाल जी तो हमेशा समर्थन में रहे, कहां खतरे में। अरे अभी तो बयान दिया उन्होंने कि ये चुनाव के बाद हमारी पार्टी में नहीं आएगा, ये हमारा दुश्मन है। अब भाई रिश्तेदार दुश्मन बता रहे हैं, उससे खतरा हो रहा है। कुछ नहीं, देखिए अखिलेश जी खुद चाहते हैं कि शिवपाल जी को किनारे लगाया जाए, शिवपाल जी को देखना नहीं चाहते हैं। अब शिवपाल जी की मजबूरी है, परिवार को मुखिया बड़े हैं, लेकिन अब मजबूरी है कि कुछ कह नहीं पा रहे हैं। जब अलग थे तो बहुत अच्छी अच्छी बात बताते थे सपा की तरफ से, लेकिन लगातार होर्डिंग लगवाई जा रही है, बार बार होर्डिंग लगाई जा रही है, रोज कोई ना कोई होर्डिंग कि न बचेंगे न कटेंगे, नफरत करने वाले 27 में हटेंगे, कभी 27 का सत्ताधीश तो कभी न नवमन गेहूं हुई न राधे गौने जई हैं। अभी 20 साल तक लोग अभी देखें, अपना माहौल बनावे, संगठन बनावे, 20 साल के बाद तक फिर विचार करिए। 20 साल के बाद का होगा वो समय बताएगा, ये दिवा स्वप्न है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन में तो चुनाव कहीं 29 में चला जाए, यही। एक और बड़ा अहम सवाल है, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचातान नजर आ रही है, क्या लग रहा है कि यूपी में कितना फर्क पड़ेगा इस खींचतान? अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी को साइकिल के कैरियर पे बैठा के लेके चलना चाहते हैं कि तुम इसी पीछे बैठे रहो, तुमको दिखा के खाली हम वोट लेंगे लेकिन तुमको सीट नहीं देंगे। उसका उदाहरण यूपी में है कि उनको पीछे बैठा दिए, हाथ पकड़ लिए कि देखो यही बैठाए हैं पीछे, इसको सीट नहीं चाहिए, इसको सिर्फ पीछे बैठाना, ये वोट हमको दिलावे, हम अपना चुनाव जीतें, इसके लिए उसको साथ दोस्ती है। वो तो पीछे बैठे, जैसे मुसलमान भाई लोग पीछे बैठते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है, चार बार की सरकार में कुछ नहीं मिला, उसी तरह वो राहुल गांधी को बैठा लिए पीछे कि राहुल जी बैठो पीछे, हाथ मिलाओ एकदम, सबको दिखाते रहो वोट देना है सपा को, उसी तरह मुसलमान देता है, कुछ पाता नहीं है। एक आखिरी सवाल रह गया, सब तमाम मुद्दों से अलग हटके, अयोध्या में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद,
ये पहला दीपोत्सव होने जा रहा है अयोध्या, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह की स्थिति रहेगी? देखिए, भव्य और दिव्य होगा, पहले भी हुआ है और भी हुआ हो, अच्छा होगा। आप देखे होंगे कि जब मकान कच्चे रहते हैं, मड़ई रहती है, तो उसके सजावट में थोड़ी कमजोरी रहती है, लेकिन वही मकान जब भव्य और दिव्य बन जाता है तो उसके सजावट भी और सुंदर लगने लगते हैं। तो वो दृश्य देखिएगा जो सजावट हो रहा है, उसकी फोटो हम आपको भेजेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।